वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स मीन्स सच असेसमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ विच दे आर परचेज्ड, सोल्ड, ट्रांसफर्ड एंड कंसीडर्ड फॉर टैक्स पेमेंट। जब हम अपने शेयर्स बेचने हैं, दूसरे किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं, और जो टैक्स असेसमेंट होती है उसमें वेल्थ कैलकुलेशन में जो है शेयर्स की वैल्यूएशन करना जो है वो रिक्वायर्ड हो जाता है, तो वहाँ पर हमें शेयर की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो उसको कैसे किया जाता है, इस चैप्टर में उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। इट इज़ आल्सो प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड स्टेट अबाउट द पोजिशन ऑफ शेयर कैपिटल टू द शेयर होल्डर्स एंड वेरियस अदर पार्टीज। और इसके थ्रू हम अपने शेयर होल्डर्स और वेरियस अदर पार्टीज़ को अपनी करंट जो शेयर कैपिटल है उसकी वैल्यूएशन के बारे में सही जो है पोजिशन बता सकते हैं, सही पोजिशन में निकाल सकते हैं। एसेट वैल्यूएशन मैथड जो है, नेट एसेट और एसेट वैल्यूएशन मैथड, इसमें फर्स्ट मैथड है वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने का। जब हम इस मेथड के थ्रू शेयर्स की वैल्यूएशन करते हैं तो इसमें हमारा जो बेस रहता है वो कंपनी की जो एसेट्स होती हैं उसके जो नेट वैल्यू है उसके बेसिस पर हम कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इसमें वैल्यूएशन ऑफ नेट एसेट करनी है, जिसमें कि टोटल ऑफ रियल एसेट जो हैं उनकी टोटल जो है रिलाइजेबल वैल्यू या जो रिवैल्यूएशन के बाद जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर कंसीडर की जाती है, उसको यहाँ पर जो है लेना है और उसमें से माइनस कर देनी है टोटल ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। इसको माइनस करके जो है कंपनी की वैल्यू आ जाती है नेट एसेट की, और उसके बाद उसे नंबर ऑफ शेयर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो एक शेयर की वैल्यू आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं नेट एसेट्स और एसेट वैल्यूएशन मेथड। इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें कि हमें नेट एसेट वैल्यूएशन मेथड से कैसे वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते हैं इसके बारे में क्लियर हो जाएगी आपको कंसेप्ट। तो इसमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सेल्फ मेड कंपनी एज एट 31 मार्च 2014। और इसमें ये एक बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज कंपनी के पास ये हैं, और जो एसेट्स हैं वो यहाँ पर इसमें ये मेंशन है। साथ में एक इन्फॉर्मेशन जो है एडिशनल भी है, डेप्रिसिएशन फंड इज मोर बाय 7560 देन एक्चुअल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फंड जो है वो एक्चुअल डेप्रिसिएशन जो है उससे ज़्यादा बना रखा है इन्होंने इतना। फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर और नेट एसेट वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो है वो एक ही टर्म होती है। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी की नेट एसेट जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। तो नेट एसेट की वैल्यूएशन जो है उसको कैसे करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले कंपनी की जो एसेट्स हैं, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, वो सभी जो हैं हम यहाँ पर लेंगे। तो एक एक करके देखिए, सबसे पहले फिक्स एसेट्स हैं 483,980, डेप्रिसिएशन फंड इसमें 64,820 का जो है लेस हुआ हुआ है, ये इनकी एसेट हैं। इन्वेस्टमेंट है मार्केट प्राइस पर 284,900 की, इन्वेंट्रीज हैं 364,000, कैश एंड इक्विवेलेंट है 431,760, और इसके बाद अनअमोर्टाइज्ड डिलीवरी एक्सपेंसेस इसमें दिए हुए हैं 3500 के। तो इसके बाद इसमें ये जो टोटल एसेट्स हैं इनमें ये जो अमोर्टाइज्ड डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं यानी जो रियल एसेट्स नहीं हैं उनको यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है, उनको यहाँ पर नहीं लेंगे हम। तो टोटल एसेट हमें जो दी हुई है वो इंक्लूडिंग विद डेप्रिसिएशन फंड, इसमें डेप्रिसिएशन फंड हम इंक्लूड रखेंगे पहले, बाद में इसको जो है जितना एक्चुअल डेप्रिसिएशन होगा उसको उसमें जो है लेस कर लेंगे।
तो हमारे पास टोटल एसेट जो है विदाउट सब्सट्रैक्टिंग द डेप्रिसिएशन फंड ये 483,980 है, और बाकी की जितनी भी एसेट्स हैं वो सभी हम ऐड करके यहाँ ले लेते हैं, तो टोटल एसेट्स हमारी आ रही है इसमें 15,68,140 की। इसमें से ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हम यहाँ पर मैनेज करेंगे क्योंकि ये हमारी रियल एसेट्स नहीं होती है, तो रियल एसेट्स हमारे पास जो हैं वो 15,64,640 की हैं। इसमें से अब आपको आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जो हैं वो माइनस करनी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में यहाँ पर सबसे पहले है, एक एक करके लाइबिलिटी साइड में से ले लेंगे इसको, एक तो है एम्प्लॉयज सेविंग अकाउंट, ये दिया हुआ है 31,780 का, एम्प्लॉयज सिक्योरिटी डिपॉजिट ये 7,560 का है, ये भी हमारी लाइबिलिटी होती है, पे करनी है हमें एम्प्लॉयज़ को। इसके बाद हम इसमें लेंगे ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल हैं 5,44,040 के, और इसके बाद इसमें प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स है 16,565 का, जो हमें इसमें से माइनस करना है। और एक इसमें डेप्रिसिएशन के बारे में उसने कहा है कि जो डेप्रिसिएशन फंड है वो उसमें इतना ज़्यादा दिया हुआ है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन फंड जो हमने बनाया था 64,820 का, उसमें से वो जो ज़्यादा हमने डेप्रिसिएशन लगा रखा है एक्सेस डेप्रिसिएशन, वो हम यहाँ पर जो है उसमें से रिड्यूस करके जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन है वो हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे एसेट्स में से, ये जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है 7,560 का वो हम यहाँ पर इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो ये 57,260 का डेप्रिसिएशन आता है जो कि एक्चुअल में है, और इसे इनमें से माइनस करके ये आ रही है इंट्रिंसिक वैल्यू, या इसे आप कह सकते हैं वैल्यू ऑफ नेट एसेट, तो वैल्यू ऑफ नेट एसेट इसकी है 907,435 की। अब नेट वैल्यू ऑफ एसेट मिल गई है, इसके बाद हम जो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, नेट एसेट जो वैल्यू आई है इसके अकाउंट में आप रखेंगे टोटल नंबर ऑफ कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं, कंपनी के शेयर कैपिटल में जो है वो आपको मिलेंगे, कंपनी के शेयर कैपिटल इसमें दी हुई है 3,080 शेयर्स ऑफ 100 ईच, टोटल कैपिटल कंपनी के पास शेयर कैपिटल है 3,08,000 की, तो नंबर ऑफ शेयर कंपनी के 3,080 हैं, तो नेट वैल्यू ऑफ एसेट आई है 907,435, इसको हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाती है 294.62, यानी कंपनी का जो शेयर है उसकी जो वैल्यू है 294.62 रुपीज़ है, जिसमें कंपनी का एक शेयर जो है लगभग इतने रुपए का है। देखिए यहाँ जो वैल्यू दी होती है 100 रुपीज़, ये इनकी होती है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू होती है इनमें डिफरेंस होता है। शेयर की फेस वैल्यू तो वो होती है जो ऑथराइज कैपिटल होती है, जो हमने शेयर पर जो है जो शेयर जो है उस पर इशू किया जाता है, या शेयर की जो बेसिक प्राइस होता है, उसके बाद जो उसकी वैल्यू बनती है वो मार्केट में उसकी परफॉर्मेंस या कंपनी की जो वेल्थ होती है उसके बेसिस पर बनती है। तो जो कंपनी की जो एसेट्स हैं उसके बेसिस पर अगर हम एक शेयर की वैल्यूएशन करें तो यहाँ पर वो वैल्यू जो है 294.62 आ रही है। तो इस तरह से नेट एसेट के बेसिस पर अगर हम शेयर की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो जो है इस तरह से ये प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाएगा। इसमें एक बार मैं आपको फिर दोबारा से इन शॉर्ट बता देता हूँ कि सबसे पहले कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं टोटल एसेट्स वो आप ले लेंगे, बस उसमें ये ध्यान रखना है कि आपको रियल एसेट लेनी है, अगर कोई रियल एसेट नहीं है तो वो आप उसमें नहीं लेंगे। उसके बाद उसमें से आप एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ कंपनी की जितनी भी हैं वो माइनस कर देंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आपको लाइबिलिटी साइड में मिलेगी जितनी भी होंगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ माइनस करने के बाद में आपको नेट एसेट वैल्यू मिलेगी, नेट एसेट वैल्यू को कंपनी के टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो कंपनी का जो एक शेयर है उसकी वैल्यू आपको इसमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये तरीका होता है नेट एसेट वैल्यूएशन में शेयर की वैल्यूएशन निकालने का, इसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी कहते हैं, आप इसके नाम जो है जो भी हैं वो ध्यान रखेंगे दोनों ही।